गुड मॉर्निंग. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट. नाउ व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट? व्हेन आई वांट टू चेक whether a number is completely divisible by a number, I use the divisibility test so that I don't have to actually divide. Okay, pura division na karna pade, isiliye main ek test use karti hu. This is called divisibility test. So according to the test, I can check orally whether a number is completely divisible, yane remainder 0 aana. Okay, after dividing, if I get 0 as remainder, then I say that the number is divisible. तो अगर मैं आपको एक number दू और बोलू कि इस number से check करो whether ये completely divisible है या नहीं. So instead of doing division, you can orally say yes or no. For some numbers, you can check orally and the numbers are 2, 5, 10, 3 and 9. So when I give you a 5-digit number, 6-digit number and tell you ki chalo check karo whether it is completely divisible, whether remainder 0 aata hai ya nahi, to aap divide karne ke bajaye sirf divisibility test use karenge and you get the answer. Okay, so let's see what are the tests. Test kya hai? For the number 2, when I want to check the divisibility by 2, I have to check the ones place. Ones ki place mein jo number hai, usko check karna hai. Wo agar 0, 2, 4, 6 ya 8 hai, to ye 2 se divisible hai. ओके, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. फॉर दिस आई हैव टू चेक द वंस प्लेस एंड चेक वेदर द वंस प्लेस इज हैविंग 0 और 5, या 0 या 5 होना चाहिए वंस प्लेस में. अगर है तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है. यस, ओके. In this, you check the ones place again and check for 0. Agar ones place mein 0 hai, to wo number 10 se completely divisible hoga, remainder 0 hoga. For 3, it is a bit different. You add all the digits. Aapko jitne numbers diye hain, un sabko add karo. Add all digits. इसके बाद आफ्टर एडिंग यू गेट सम आंसर. वो आंसर अगर 3 से डिविजिबल है तो यस बोलेंगे, यानी वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो हम बोलेंगे यस. सिमिलरली फॉर 9 आल्सो यू ऐड ऑल द डिजिट्स. डिजिट्स ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो यस. ओके, सो दीज आर द डिविजिबिलिटी टेस्ट. बेस्ड ऑन दिस वी विल डू एक्सरसाइज 5.1. लेट अस सी हाउ यू विल हैव टू लर्न दीज डिविजिबिलिटी टेस्ट. ये लर्न करना है बाय हार्ट. ओके, इफ यू लर्न दीज डिविजिबिलिटी टेस्ट यू कैन डू द सम्स ओरली. ओरली ही कर सकते हैं. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 5.1 सेज से यस और नो अंडर द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच नंबर. अगर डिविजिबल है तो यस, नहीं है तो नो लिखना है. ओके, नंबर गिवन इज 24. You have to check the divisibility of this number by 2, 3, 5, 9,
और 10, इन सब के लिए चेक करना है 24 को. ओके, नंबर दिया है 24, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? यू हैव टू चेक वंस प्लेस. वंस प्लेस हैज 4. इफ यू रिमेंबर मैंने क्या बोला था, 0, 2, 4, 6, 8. वंस की प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो यहाँ पर यस होगा, मतलब वो 2 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा. सो दिस इज यस, क्योंकि 4 है. 3 के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऐड 2 + 4, आंसर आएगा 6. क्या 6 आता है 3 के टेबल में? 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यस. सो दिस इज यस, यहाँ पे लिखेंगे यस, क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये यस है. ओके, फॉर 5 अगेन वंस की टेबल, वंस की प्लेस चेक करनी है. वंस प्लेस शुड हैव 0 और 5. 0, 5 है? नहीं है, सुन दो. ओके, 9 अगेन यू हैव टू ऐड 2 + 4, 6. 6 आता है 9 के टेबल में? नो, सो दिस इज नो. ओके, 10 के लिए वंस की प्लेस में 0 होना चाहिए, 0 नहीं है, सो गेटिंग मी? ओके, ओरली वी कैन राइट यस नो. लेट्स सी दिस नंबर नाउ, 7800. ओके, फॉर 2 वंस प्लेस चेक करो. वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 0 है, सो यस.